सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्यार करने का कहता हूँ, प्यार करने का कहता हूँ। बढ़िया लालू जिंदाबाद, बढ़िया लालू जिंदाबाद, राम कृष्ण जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आज सिंगावला लोग पैसा भी बंद बंद कर रखा है। इस स्वागत समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र यादव जी, कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सनंद शुक्ल जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम सभी के अभिभावक तुल्य आदरणीय योगेंद्र पांडे जी और बिहार प्रदेश कांग्रेस के निर्धन नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व में अध्यक्ष रहे और अगर मैं राजनीति में हूँ, कुर्ता पैजामा पहनना, उसकी वजह भी यही है। मेरे बड़े भाई आदरणीय अनिल शर्मा, मैं पढ़ने लिखने वाला था, आप लोग ताली मत बजाइए, मैं कुछ और कर सकता था, लेकिन इनके सानिध्य में मैं राजनीति में आया, आगे बढ़ा। इस अवसर पर उपस्थित 2000 की विधानसभा में मेरे सहयोगी रहे पूर्व विधायक भाई लक्ष्मी नारायण यादव जी, पूर्व विधायक छोटे भाई तुल्य मनोज सिंह जी और अभी हर सिद्धि के लोकप्रिय कर्मठ विधायक मेरे छोटे भाई तुल्य राजेंद्र राम जी, मनोज यादव जी, बिट्टू यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भाई तुल्य जनार्दन शर्मा जी, जहानाबाद से जिस समय मैं विधायक था उस समय जिला परिषद के अध्यक्ष थे मेरे मित्र अजय सिंह टुन्नू जी, पटना से आए हुए मेरे दो दो मित्र अमिताभ जी, विजय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई तुल्य सुरेश मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता मुमताज भाई, रविंदर सिंह जी, गप्पू राय जी, बरकत भाई, नाम लेने में तो सचमुच थोड़ा तो बोल चुके हैं कन्हैया पांडे जी का, नहीं बोलेंगे तो काम चलेगा। बोला राम जी को बोलना जरूरी है। हम लोगों के पुराने मित्र तंबू सिकारिया जी बैठे हुए हैं, नगर के अध्यक्ष रहे हैं, बोला था तुम्हें जसवाल जी का छूट गया, तेरा बेटा ही है तो उसका क्या है, आप लोगों का भतीजा है शंभू यादव जी, कमलेश्वर गुप्ता जी, सब तो पढ़ देते हैं, मच्छी पांडे जी, नसीम अख्तर साहब, बबन पांडे जी, डॉक्टर मोहम्मद नसीमुल हक साहब, सौरभ कुमार जी, इस सभागार में उपस्थित सभी जिले के सम्मानित अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पांडे जी आदरणीय पांडे जी सहित सभी पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, स्वागत सम्मान और उत्साह बढ़ाने का काम किया। कई तरह की बातें मंच से हुई, अग्रेश भाई को तकलीफ हुई कि मेरे विधायक साथियों का फोटो नहीं, किसी का नाम नहीं, और भी कई तरह की तकलीफें होंगी। अहमदाबाद लगा, किसी से बुलवाया गया, किसी से नहीं बुलवाया गया, कई साथी अलग अलग तरीके से दुखी होंगे, मैं सबके लिए आप सबों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, अभिनंदन का स्वागत का वक्त नहीं है। जितनी बड़ी लड़ाई है, अनिल भैया ने अपने भाषण में जिन मुद्दों का जिक्र किया, लक्ष्मी भाई ने जिन मुद्दों का जिक्र किया, उसके तरफ हम सबों को ध्यान देने की जरूरत है।
और ये बापू की कर्म भूमि रही, आजादी का लड़ाई का बिगुल, इसी धरती से बापू ने फूका था, उसको हम सभी को किसी को भूलने की जरूरत नहीं। और उस भूमि पर कमल खिले, इससे चंपारण वासियों का सिर ऊंचा नहीं होता है, बल्कि हम लोगों की प्रतिष्ठा गिरती है। इस बात को ख्याल रखना। जहां तक मेरी बात है, मैं एक विशेष परिस्थिति में, जिसका जिक्र किया आदरणीय अनिल शर्मा जी, मैं 2004 में पहले से भी मैं बिहार सरकार का मंत्री था, विधायक था। मुझे इसी काम के लिए लालू जी ने भी यह कहकर भेजा था कि जब तक तुम चंपारण नहीं लड़ोगे, भाजपा को हम हरा नहीं सकते। उस समय भी मैं इसी काम के लिए आया था और उसमें आप लोगों के आशीर्वाद से सफलता मिली। और केवल हम नहीं आए थे, उस समय हम लोग बात किए थे, आज टिकट का लड़ाई नहीं है। लालू जी राहुल जी जिसको टिकट देंगे, अखिलेश सिंह भी उसी का जिंदाबाद करेंगे, उसी के लिए काम करेंगे, चिंता छोड़ देंगे। लेकिन असली चिंता है, उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत। मैं जब यहां सांसद के रूप में आप यहां आता था, गांव में जाता था, काम करता था, सभी गांवों में एक ही बात होती थी, चंपारण में चीनी मिल लगनी चाहिए, चंपारण के गन्ना किसानों की तरफ ध्यान जाना चाहिए, चाहे वो भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। लालू जी की सरकार चली गई और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, 2005 से 2010 तक जब कभी नीतीश कुमार यहां आते थे, सुशील मोदी यहां आते थे, हर मंच से यही भाषण होता था कि जो चीनी मिलों का से धुआं नहीं निकल रहा है, ये सरकार की प्राथमिकता है, उन चीनी मिलों से धुआं निकाल के मैं रहूंगा। अपना धुआं निकाल लिए लोग, चीनी मिलों से धुआं नहीं निकल रहा। प्रधानमंत्री जी 2014 में गांधी मैदान में जब लोकसभा चुनाव में भाषण करने आए थे, बाकी का भाषण की तरफ मैं नहीं ले जाना चाहूंगा, पत्रकार सभी साथी यहां बैठे हैं, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगली बार जब भी मैं चंपारण आऊंगा, अगर मेरी सरकार बनती है, तो इसी चीनी मिल के चीनी से मैं चाय पीऊंगा। लेकिन इस बार आए चीनी मिल का जिक्र नहीं हुआ, बंद चीनी मिलों का जिक्र नहीं हुआ, उल्टे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बाहर से लोग आयातित करके लोग बुलाए जाते हैं चंपारण में, कि कैसे 20,000 लोग की उपस्थिति दिखे। चंपारण के घर से कोई निकल के वहां जा नहीं सकता था, क्योंकि चीनी मिल की बात पूछता लोग वहां। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को टीवी पर प्रधानमंत्री का भाषण देखने को मजबूर किया। जमहूरियत में, जनतंत्र में मोदी जी आपको मालूम नहीं है, जब चुनाव आता है तभी लोग दंडित करने का काम करते हैं और दंड देने का समय आ गया। मैं राज्य मंत्री था, इसी महकमे का मैं राज्य मंत्री था, और मैं जो कुछ किया, मैं चुनाव हार गया। ठीक कहा आदरणीय अनिल शर्मा जी ने, अगर समझौता रहता लालू जी और राहुल जी सोनिया जी में, तो मुझको यहां से कोई हरा नहीं सकता। मैं सही मत से हारा, इतना मत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चला गया। लेकिन जिस चालाकी से राजनीति बदली है बिहार में, उसके तरफ ही सब लोगों का ध्यान जाना चाहिए। ये केवल मेरा आपका और हम पार्टी का नहीं है काम, बल्कि गांव में बैठे हुए, शहर में बैठे हुए सभी साथियों को इस बारीकी को समझने की जरूरत है।
कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे और जब आते थे चंपारण में बिहार के दूसरे भागों में, उनके सभी भाषण का एक मुद्दा जरूर होता था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ कभी आरएसएस की तरफ कभी जाऊंगा नहीं। मिट्टी में मिले आपकी नहीं मिले, लेकिन आपकी मिट्टी पलीद जरूर होने वाली है मोदी जी के साथ। वायदा करते थे अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मोतिहारी में इस जिले से आप सभी लोग आए हैं, कहीं रोजगार मिला? उस रोजगार की अब बात नहीं होती है, अब बात होती है मंदिर मस्जिद की। फिर से मंदिर बनाएंगे, उसके लिए जुडिशियरी को समाप्त करेंगे। आजादी के बाद इस देश की जनता जब कहीं उसको न्याय नहीं मिलता था तो न्यायपालिका के तरफ जाता था, सरकार से नहीं, विधायिका से नहीं, अपने गांव के बड़े लोगों से नहीं, तो वो न्यायपालिका की तरफ जाता था। लेकिन मोदी जी के शासन में 4-4 जजेस आपकी तरफ देखते हैं कि आप न्याय दिलवाइए, क्या हो रहा है। जिनको खुद न्याय नहीं वो किसको न्याय दिलाएंगे? और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से महाभियोग प्रस्ताव लाया था, उसको जिस तरह से खारिज किया जाता है, बिना देखे बिना पढ़े बिना कानूनविदों का राय लिए, उससे इनके अधिनायकवादी सोच का पता चलता है। और अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरफ नहीं देखती हैं तो ये देश से जनतंत्र और जमहूरियत समाप्त करने वाले हैं आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसकी चिंता हम सभी को है और इस तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। आज चंपारण का केवल गन्ना किसानों की बात नहीं, 4 दिन पहले मैं एन कॉलेज गया था, वहां भी मैं भाषण में अपने जिक्र किया कि शिक्षा को किस तरह से चौपट कर रही है मोदी जी की सरकार। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्थापित किया हुआ था विश्वविद्यालय विश्व भारती, 2 साल हो गया, वहां भाई चांसलर नहीं है। हम आप सभी के सामने ये कहना चाहते हैं, आप लोग भी लिखते नहीं हैं, लेकिन विश्व भारती जैसी संस्था में 2 साल से कुलपति नहीं है। जितनी केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय महा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 50% शिक्षकों का पद खाली है। जो IIT और IIM जैसे 90% संस्थान थे नेहरू जी के हुकूमत के समय से, उसमें 40% शिक्षकों का पद नहीं है। और बिहार में यूनिवर्सिटी में 30% केवल शिक्षक काम कर रहे हैं, 70% शिक्षक नहीं है महाविद्यालयों में। जिस विद्यालय में हम सभी पढ़ कर आए थे, सरकारी विद्यालय, वहां शिक्षक नहीं है। सबको प्राइवेटाइजेशन के तरफ ले जाने के लिए मोदी जी की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है इसके तरफ। और ये बड़ा सवाल है, मैं आपके बीच छोड़ के जाना चाहता हूं, स्वास्थ्य चौपट है, कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, PMCH का बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप चले जाइए जिला अस्पताल में। सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।